हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अतीक और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह शॉपिंग कैंपेन खुद लाइव कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको कि स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन होती क्या है और ये किस तरह चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। अब मैं आपको थोड़ा अगेन इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ताकि बेस बन जाए आपकी कि शॉपिंग कैंपेन होती क्या। बेसिकली शॉपिंग कैंपेन हेल्प यू प्रमोट योर प्रोडक्ट बाय गिविंग यूजर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वट यू आर सेलिंग बिफोर दे इवन क्लिक योर एड। ये हमें हेल्प करती है हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में कि हम यूज़र को अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स दिखा सकें इवन के उसने अभी क्लिक भी नहीं किया हमारे एड पे, ताकि वो जो चाह रहा है इंफॉर्मेशन हम उसको दे सकें। यूजिंग रिटेल सेंट्रिक रिपोर्टिंग टूल, रिटेल सेंट्रिक रिपोर्टिंग टूल को यूज़ करके यू विल देन बी एबल टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट ओवर टाइम। कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कैंपेन की, अपने एड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं ये टूल को यूज़ करके टाइम के साथ साथ। ये कुछ स्टेप्स हैं कि आपको किस तरह ये कैंपेन क्रिएट करनी है, तो मैं इजी स्टेप्स में आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। कैंपेन आइकन पे क्लिक करना है और कैंपेन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और कैंपेन पे क्लिक करके प्लस के बटन पे क्लिक करके न्यू कैंपेन पे क्लिक कर लेना है। ये मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। आपको आना है ऑल कैंपेन सेलेक्ट करके कैंपेन के सेक्शंस में आना है। अब आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करके अब आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। अब यहाँ तक हम आ गए, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हम आगे हमें क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, उसके बाद गोल ऐड करना है। हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, गोल मल्टीपल ऐड है, ये मैं एट द एंड ऑफ द कैंपेन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एक किसी एक को, तो वो आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब मैं कंटिन्यू करूँगा, जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि शॉपिंग एज योर कैंपेन टाइप। ठीक है, तो मैंने कैंपेन टाइप शॉपिंग सेलेक्ट करके मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन में पहला परफॉर्मेंस मैक्स का होगा, दूसरा शॉपिंग कैंपेन का होगा, तो मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, पहले शॉपिंग कैंपेन को। अब ये मेरी फीड फेच होगी, मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड शॉपिंग परफॉर्मेंस मैक्स का, दूसरा स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन का। मैं स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप ये है कि अगर आपका मर्चेंट सेंटर, अगर आपको प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवानी है तो आपको मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होंगी आपके एड्स में, शॉपिंग एड्स में। और अगर आप कैंपेन बना लेते हैं, आपने दोनों को लिंक नहीं किया, गूगल ऐड और मर्चेंट सेंटर को, तो ये बाद में आपको उस कैंपेन के अंदर उसको ऐड भी नहीं करने देगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आप पहले लिंक कर लें, क्योंकि मुझे वो शो हो गया था मर्चेंट सेंटर जो, ताकि इसलिए मुझे वो सारी प्रोडक्ट्स मेरी शो होंगी। ठीक है, अगला स्टेप ये है कि आप फीड सेलेक्ट करें। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर ली है और हम सेलेक्ट कर सकते हैं फीड बाय लेबल और फीड बाय कंट्री ऑफ सेल। तो ये कुछ ऑप्शनैलिटीज है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद एडवर्टाइजिंग प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, कैंपेन का नेम ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया और ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको इनको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें। इनमें आप क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इन्वेंट्री फिल्टर आप ऑप्टिमाइज एडिट कर सकते हैं, आप लोकल प्रोडक्ट्स एडिट कर सकते हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस एडिट कर सकते हैं, आप बिडिंग ऐड करेंगे, डेली बजट ऐड करेंगे, कैंपेन प्रायोरिटी ऐड करेंगे, नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे कि किस किस नेटवर्क पर आपको शो करवाने एड्स, आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, लोकल इन्वेंट्री ऐड सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव और कंटिन्यू कर देंगे, तो आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप सभी हम करते हैं। मुझे कैंपेन का नाम रखना है, मैं कैंपेन का नाम रखता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स कैंपेन। मैं सारी प्रोडक्ट को फैच कर रहा हूँ। बिडिंग मैं इधर अपनी चेंज कर लेता हूँ, इसको मैक्सिमाइज क्लिक पे चलाता हूँ और इसको मैं रखता हूँ 7 रुपये और बजट मैं 1000 रखता हूँ यहाँ पे। और अपना कैंपेन की प्रायोरिटी लो ही रहने देता हूँ, या मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से।
बट बाय डिफॉल्ट लो है तो मैं लो रहने देता हूँ। और नेटवर्क में सर्च के सर्च पार्टनर पे भी अगर शो करवानी है तो मुझे करवानी है तो मैं इसको चेक रहने देता हूँ। और कंट्री मेरा पाकिस्तान है। स्टार्ट एंडिंग डेट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पेसिफिक डेट के बाद कैंपेन बंद हो जाए तो मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। और एड ग्रुप का नाम, एड ग्रुप का नाम मैं रखता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स का, मुझे ये मेरी सारी प्रोडक्ट की कैंपेन है। और क्रिएट के बटन पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी ये कैंपेन क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका गोल चेंज करना है, क्योंकि गोल अभी सारे सेलेक्ट किए हुए, हमारी कैंपेन ट्रेन नहीं होगी ठीक से। तो मैं सेटिंग में जाके ये कोई एक स्पेसिफिक गोल हम सेलेक्ट कर लेते हैं परचेज का। तो चूज कैंपेन गोल, और मुझे इधर परचेज का गोल सेलेक्ट करना है ये वाला, सेव और सेव। अब ये हमारी कैंपेन रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।